नमस्ते दोस्तों, ये साउंड सब लोग पहचानते ही होंगे। तो ये साउंड है एक डोरबेल का। तो आज हम देखेंगे कि डोरबेल का कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो ये एक डोरबेल है जिसमें आपको देखेंगे कि दो वायर्स लगे हुए और ये एक स्विच बोर्ड है जिसके ऊपर हम बेल स्विच इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये एक स्विच है, ऐसे बेल स्विच भी बोला जाता है। ये एक स्पेशल स्विच होता है जो इस बोर्ड के ऊपर लगेगा और ये एक टेस्टर है जो हमें फेज एंड न्यूट्रल पहचानने में हमारी हेल्प करेगा। और जो भी हमारे कनेक्शंस है उसके लिए लगेंगे कुछ वायर्स, ठीक है। ये ब्लैक एंड रेड कलर के वायर्स रहेंगे जो हमारे कनेक्शन आसान बनाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इस बेल को पावर सप्लाई देना है और इस स्विच से इसे डिसकनेक्ट और कनेक्ट कर देना है। मीन्स इस स्विच से हम इस बेल को ऑपरेट करने वाले। तो हमें क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है, जो भी रेड वायर था उसमें से छोटा सा पीस निकालना है और जो भी पीस रहेगा या जो भी टुकड़ा है इसे कनेक्ट कर देना है, ज्वाइंट कर देना है बेल के एक वायर से। सिंपली इसे ज्वाइंट कर देना है बेल के वायर से और जब ज्वाइंट हो जाएगा तो इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग टेप लगा देना है ताकि आपका जो कनेक्शन है ये सेफ हो जाए और करंट लगने के या शॉक लगने के कोई भी चांसेस ना रहे, ठीक है। तो चलो अभी ये हो गया ज्वाइंट। अभी हमें क्या करना है, ये जो स्विच है ना इस बोर्ड के ऊपर थोड़े अच्छे से माउंट कर देना, इंस्टॉल कर देना। ये जो स्क्रू रहेंगे ना इसे हम इसके ऊपर अच्छे से इंस्टॉल कर देते और इसके जो नट्स हैं लगा देते हैं ताकि प्रॉपर हमारा कनेक्शन हो जाए और ये स्विच बोर्ड भी प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। तो हमने स्क्रू ड्राइवर से इसे इंस्टॉल कर दिया है और अभी हमें क्या करना है, जो स्विच है ना इसमें आपको दो टर्मिनल्स मिलेंगे तो एक टर्मिनल में एक वायर लगा देना है। ये जो बेल की तरफ से वायर आ रहा है ना हमने ज्वाइंट किया हुआ है, तो एक टर्मिनल में आपको लगा देना है। इसे ऐसे अंदर धसा देना है, अंदर डाल देना है और उसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर देना है, ठीक है, ताकि ये निकले ना, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्मिनल का कनेक्शन। अभी जो बचा हुआ रेड वायर है ना इसे सेकेंड टर्मिनल में लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्विच कनेक्शन कि जो हमने लगा दिया है रेड वायर को। रेड वायर हम कनेक्ट करने वाले फेज में, जो जनरली फेज में ही कनेक्ट करते हैं ताकि आपका काम आसान रहे और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अभी ये हम लेंगे ब्लैक वायर और ब्लैक वायर क्या करेंगे, हम सेकंड जो वायर है आपके बेल का तो उसको हम ज्वाइंट करने वाले हैं और ये जाएगा आपके न्यूट्रल में। तो इसको हम इंसुलेटिंग टेप से भी कवर करेंगे, ये जो भी ज्वाइंट दिया हुआ है ना हम इसको इंसुलेटिंग टेप से कवर करने वाले हैं तो ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और जैसे मैंने बोला कि सेफ्टी फर्स्ट होता है तो ये भी हम फॉलो करें। अभी हमने कनेक्शन कर लिए लेकिन जो आपका स्विच बोर्ड है ना इसको अभी हमें प्रॉपरली कंप्लीट कर देना है। तो स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई देने के लिए हमने एक्सटेंशन का यूज़ किया हुआ है जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई देंगे। तो इसके पहले ये स्विच बोर्ड हम कंप्लीट कर लेते ताकि मेरी भी सेफ्टी बनी रहे और कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई शॉक लगने के चांसेस ना रहे। तो ये प्रैक्टिकल सबसे पहले आपको सेफ्टी दिमाग में रखनी होगी, ध्यान में रखनी होगी। तो ये देखो टेस्टर से चेक करता हूँ, जो राइट हैंड साइड में है लाइट ब्लिंक कर रहा है तो वो आपका फेज रहता है और जहाँ नहीं कर रहा है वो न्यूट्रल रहता है। तो ब्लैक वायर जाएगी न्यूट्रल में लेफ्ट हैंड साइड एंड रेड वायर जाएगी फेज में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कनेक्शन। तो इतना ही था, कुछ नहीं, आपको बेल को पावर सप्लाई देना था और बीच में आपको सिर्फ स्विच यूज करना है ताकि आप बेल को ऑन ऑफ कर सको। बस इतना सिंपल कनेक्शन था। अभी हम बेल को ऑन करके देखते हैं। तो बटन प्रेस करने के बाद बेल का साउंड आ रहा है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन हमारे चैनल का कनेक्शन अभी बाकी है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करिए और ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है जिसमें हम इस बेल को टेयर डाउन करेंगे और इसके अंदर से जो डिंग डोंग की साउंड आती है उसके पीछे का मैकेनिज्म जानेंगे। पूरा बेल हम ओपन करके देखेंगे, खोल के देखेंगे, एक एक पार्ट हम सेपरेट करके देखेंगे। तो बने रहे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो बाय एवरीवन।